अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उदिहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हम नॉवल पढ़ने वाले हैं, इस नॉवल का इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि इसके आगे पूरे चैप्टर्स की स्टोरी वो अलग से होगी। तो इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, और आज जो इंट्रोडक्शन हम करेंगे वो एक नॉवल है जो कि सेकेंड ईयर के अंदर आता है, और उस नॉवल का नाम है प्रिजनर ऑफ सेंडा, यानी कि सेंडा का कैदी। और इस नॉवल का बेसिकली आपके पेपर में तकरीबन 25 मार्क्स या 25% का जो है उसका शेयर होता है, यानी 25 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं अगर आप इस नॉवल को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बिकॉज एक एडवेंचर किस्म का नॉवल है और आप इसमें आराम से जो है इसको समझ सकते हैं और इजीली आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर थोड़ी सी आप इस पर तवज्जो दें। तो ये लिखा है बेसिकली सर एंथनी हॉप ने, और उनका पूरा नाम है सर एंथनी हॉप हॉकिंस, उन्होंने ये नॉवल लिखा है। और इस नॉवल के अंदर जो उनके कैरेक्टर्स हैं, और जो पहले मैं बताता हूँ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ एक लंदन के, इंग्लैंड के शहर लंदन से, और वहाँ पे एक फैमिली है, उस फैमिली के नाम है बर्डलेस्टन फैमिली, जिसके जो हेड हैं वो है रॉबर्ट, उनको प्यार से बॉब कहा जाता है, रॉबर्ट बर्डलेस्टन। और इसके अलावा उनकी जो वाइफ है उनका नाम है रोज़ बर्डलेस्टन, ठीक है। और उसके बाद उनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम है रुडोल्फ रिजेंडायर, जो कि बेसिकली मेन हीरो ऑफ द नॉवल भी है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो है हमारे पास स्टोरी, हम उसको आगे लेके चलते हैं। रुडोल्फ रिजेंडायर की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूँ कि इनकी जो एज है दैट इज़ 29 ईयर्स, 29 साल के हैं ये, और इनकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 feet 2 inches है, और वेल एजुकेटेड हैं, कुछ लैंग्वेजेस के बारे में ये जानते हैं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे सॉर्ट्स मैन हैं। ये तमाम क्वालिटीज़ जो है रुडोल्फ रिजेंडायर की, क्योंकि हीरो ऑफ द नॉवल है तो जाहिर सी बात है ये मुख्तलिफ क्वालिटीज़ इन्होंने इसके अंदर ऐड की हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत अच्छे हॉर्स राइडर भी है ये, और एडवेंचरस बहुत ज़्यादा है, और इनके जो हेयर हैं वो रेड हेयर है, लॉन्ग नोज है और ब्लू आईज हैं, ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रुडोल्फ रिजेंडायर की हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात बड़ी काबिले जिक्र है कि जो इनके बड़े भाई हैं रॉबर्ट बर्डलेस्टन या रिजेंडायर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट की जो हेयर थे दैट वॉज ब्लैक, और रिजेंडायर के जो हेयर थे दैट वॉज रेड। हालांकि दोनों भाई थे लेकिन दोनों के बालों का कलर डिफरेंट था, और जो फिजिकल फीचर थे वो उनके डिफरेंट थे, तो जिसकी वजह से जो जिनके ब्लैक हेयर होते थे यानी कि उनको बर्डलेसन कहा जाता था, और जिनके रेड हेयर होते थे इस फैमिली में उनको रिजेंडायर्स कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों के दरमियान में। अच्छा, अब ये रेड हेयर, लॉन्ग नोज और ब्लू आईज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक और शाही खानदान है एल्फबर्ग्स का, और वहाँ भी ये तीनों क्वालिटीज़ जो है वो मिलती हैं, रेड हेयर, लॉन्ग नोज और ब्लू आईज, तो ये एल्फबर्ग्स की क्वालिटीज़ है। तो अब ये एल्फबर्ग्स जो है बेसिकली रॉयल फैमिली है, तो अब उनका इस रिजेंडायर फैमिली से क्या ताल्लुक है वो मैं आपको थोड़ी देर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये एल्फबर्ग्स जो हैं बेसिकली ये जो है रहते हैं रूटानिया के अंदर, और रूटानिया क्या है, रूटानिया बेसिकली एक इमेजिनरी कंट्री है इस नॉवल के अंदर जो एंथनी हॉपकिंस ने किया है, तो बिल्कुल मतलब वो नेवरलैंड है, यानी कि कभी कोई ऐसी ज़मीन ना रही है और शायद ना रहेगी आगे भी, तो बिल्कुल एक तखयलाती किस्म की एक जगह है जिसको रुडोल्फ का नाम दिया है, और एल्फबर्ग्स फैमिली जो है वहाँ पे रहती थी। अच्छा, रुडोल्फ के अंदर एक और स्टेट है जिसका नाम है जेंडा, जिसपे पूरा नॉवल जो बना है जेंडा की जो स्टेट है, और इसके अलावा एक और वहाँ पे कैपिटल सिटी है उसका नाम है स्टेल्सा, ये दोनों जो है ये रुडोल्फ के अंदर मौजूद है स्टेल्सा, क्योंकि इनका जिक्र बार बार नॉवल के अंदर आएगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जेंडा जो है वो स्टेट है और जो स्टेल्सा है वो उसका कैपिटल सिटी है रुडोल्फ का, और रुडोल्फ जो है खुद एक इमेजिनरी कंट्री है, कोई ऐसा मुल्क है नहीं दुनिया में इस वक्त मौजूद, ठीक है। अच्छा, इस नॉवल के अंदर जो अगला कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है रुडोल्फ एल्फबर्ग। अब इस नॉवल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों जो लोग हैं उनका नाम जो है रुडोल्फ आ रहा है, एक का रिजेंडायर है और एक का एल्फबर्ग है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के दरमियान कि कौन सा एल्फबर्ग है कौन सा रिजेंडायर है, तो आप इसके सिर्फ सरनेम से याद रखिएगा एल्फबर्ग और रिजेंडायर। रिजेंडायर मीन्स द हीरो ऑफ द नॉवल और एल्फबर्ग मीन्स द किंग ऑफ द नॉवल। अच्छा, अब इस नॉवल के अंदर रुडोल्फ एल्फबर्ग फिफ्थ
यानी कि उसको अभी डिक्लेयर होना है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, अभी उसको क्राउन, अभी वो सिर्फ शहजादा है, क्योंकि वहाँ पे ये होता था कि यानी कि जब बादशाह मरता था तो उसका जो दूसरा जो बेटा होता था, यानी कि जो बेटा होता था वो ही शहजादा जो होता था वो बादशाह बनता था। सो दैट वॉज टू बी डन। तो रुडोल्फ एल्बर्ट जो फिफ्थ था उसको भी बादशाह बनना था और उसके बारे में ये नॉवल लिखा गया है, क्योंकि रुडोल्फ फोर्थ की डेथ हो चुकी थी, रुडोल्फ एल्बर्ट फोर्थ की, और उसका जो बेटा था रुडोल्फ एल्बर्ट फाइव उसने भी बादशाह बना था, उसकी फाउंडेशन सेरेमनी होनी थी। वो आगे चल के नॉवल में जब हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद एक और करेक्टर यहाँ पे आता है, प्रिंसेस फ्लाविया, ये फर्स्ट कजन भी है रुडोल्फ एल्बर्ट की, और इसके अलावा शी वॉज अ फियांसी एज वेल, तो मैंने भी जो है मंगेतर भी थी रुडोल्फ एल्बर्ट की, और उनकी शादी होनी थी, और शी इज ऑल्सो द हीरोइन ऑफ द नॉवल। उसके बाद एक और करेक्टर हमारे पास जो मेन करेक्टर आता है वो आता है ड्यूक माइकल या ब्लैक माइकल जिसे कहते हैं, और ये बेसिकली एक विलन है इस नॉवल के अंदर, वो हम आगे बताएंगे कि वो क्या विलन जो है वो परफॉर्म करता है। ड्यूक माइकल जो था बेसिकली वो बादशाह का सौतेला भाई भी था, और इसके अलावा गवर्नर भी था जो है वो जिंडा स्टेट का। अच्छा, अब उस जमाने में रुटेनिया के अंदर ये रूल होता था या रिवाज था, आप ये समझ रहे, कि बादशाह जो था वो दो शादियां करता था, एक शादी जो थी वो खानदान के अंदर करता था जिसे रॉयल मैरिज कहा जाता था, और दूसरी शादी जो खानदान से बाहर की जाती थी उससे मॉर्जेंटिक मैरिज कहा जाता था। तो ये जो ब्लैक माइकल था ये मॉर्जेंटिक मैरिज से पैदा हुआ था, और जो रॉयल फैमिली के जो बच्चा होता था हमेशा वही जो है बादशाह बनता था, जो मॉर्जेंटिक मैरिज से जो बच्चा होता था वो कभी भी बादशाह नहीं बन सकता था। हाँ, उसको कोई स्टेट वगैरह दे दी जाती थी, गवर्नर बना दिया जाता था, लेकिन कभी भी वो बादशाह नहीं बन सकता था, बादशाह से वही बनता था जो कि रॉयल मैरिज से होता था। तो अब इस कहानी में ये भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन अभी कहानी में मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि जो रुडोल्फ मार्बल रिजेंडाइल था, तो उस रिजेंडाइल जो था उसके जो फीचर्स थे वो थे रेड हेयर लॉन्ग नोज एंड ब्लू आईज, थे वो रेड थे, लॉन्ग नोज थी और ब्लू आईज थी, और यही सारे फीचर्स जो थे एल्बर्ट फैमिलीज के थे। तो रिटानिया और इंग्लैंड का बहुत फासला था, तो ये फीचर्स वहाँ से यहाँ पे कैसे ट्रांसफर हुए, तो इसमें हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ नस्लें पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि बर्लेस्टन फैमिली के अंदर एक हेड थे वहाँ के, जेम्स बर्लेस्टन, ठीक है, जेम्स लॉर्ड बर्लेस्टन, और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी किंग रुडोल्फ किंग एल्फ्रेड द सेकंड के साथ, यानी कि जो फोर्थ फिफ्थ जो हमारे पास चल रहे थे, किंग एल्फ्रेड द सेकंड के साथ उनकी बहुत अच्छी मतलब दोस्ती थी। एक दफ़ा क्या हुआ, किंग एल्फ्रेड द सेकंड जो थे वो वापस आए, और किसके पास आए, मतलब अपने दोस्त के पास रहने के लिए आए, जेम्स बर्लेस्टन के पास इंग्लैंड में, और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई जेम्स बर्लेस्टन की वाइफ एमिली से, और दोनों में अफेयर हो गया, यानी कि एल्फ्रेड टू का जेम्स बर्लेस्टन की वाइफ एमिली के साथ अफेयर हुआ, और उसके नतीजे में जो है वो मतलब जो दुश्मन एक किस्म का निकल आया, और यहाँ पे उनके साथ जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ओके, उसके बाद अभी खबर जो थी वो अखबार में भी आ गई कि इस तरह से इनका कुछ आपस में रिलेशन रहा है। तो जेम्स बर्लेस्टन को जब ये खबर मिली और वो बहुत गुस्सा हुआ, और उसने फौरन से जो एल्फ्रेड टू था जो वहाँ का बादशाह था उसको ड्यूल का चैलेंज किया, और ड्यूल का चैलेंज नोबल लोग करते हैं, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को एल्फ्रेड टू ने, और उसके बाद दोनों की फाइट हुई, और फाइट के दौरान जो है जेम्स बर्लेस्टन ने फायर किया जिसके नतीजे में गोली लगी एल्फ्रेड टू, और वहीं पे जो है मर गया। अच्छा, उसके कुछ महीने के बाद लेडी एमिली के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ कुछ महीने के बाद, और उस बच्चे के जो फीचर्स थे वो रेड हेयर और थे, तो जिससे और ब्लू आइज थी, तो जिससे ये साबित हुआ कि यानी कि ये जो बच्चा है ये रॉयल फैमिली में से ही मतलब इसका कुछ रिलेशन जो है वो लगता है। तो यही इसी वजह से जब वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो फिर वो रिजेंडाइल बना, और इस तरह से हर कुछ अरसे के बाद जब वहाँ पे लोग पैदा होते थे तो कुछ के रेड हेयर्स होते थे, जिनके रेड हेयर्स होते थे उनको बेसिकली रिजेंडाइल्स कहा जाता था, क्योंकि ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एल्फ्रेड फैमिली से आए थे, और इस तरह से इनका आपस में जो सर रुडोल्फ रिजेंडाइल जो था इसके भी रेड हेयर्स थे, तो इसका मतलब था यानी इसके भी जो फीचर्स थे वो एल्फ्रेड फैमिली ही से मिले थे। दैट वॉज द स्टोरी बिटवीन द ब्लैक हेयर रेड हेयर की जो कहानी थी, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी।
अच्छा जी, आई होप ये इंट्रोडक्शन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा. अब आप चैप्टर्स वाइज जो मैंने बनाया है आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जो सुनना शुरू करेंगे बेसिकली, तो आपको सारी स्टोरी जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी. तो नाउ गो फॉर द चैप्टर्स एंड यू कैन लिसन इट वेरी क्लियर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.